नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सर एक बार फिर आप लोगों के सामने डबल ए एकेडमी के ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे, ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे। देखिए, आइए हम लोग प्रश्नावली जो है पांच का बी, पांच के ए का हम लोग कर चुके हैं, पूरे क्वेश्चन को हल किए और हम आप लोगों को बताए भी थे एक दो क्वेश्चन कि मतलब छूटा है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, तो आप लोग किए भी होंगे। तो ये देखिए प्रश्नावली पांच का बी, ये आपको आज एक अच्छे तरीके से एक एनर्जी के साथ ऊर्जा के साथ हर एक सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, ये सवाल आपका है प्रश्नावली पांच के बी का। प्रश्नावली पांच के बी का, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन थ्री एक्स बटे यक्स, यक्स इज लेस देन जीरो और यक्स प्लस थ्री, यक्स इज ग्रेटर देन जीरो ओवर इक्वल, सदैव क्या है? सतत। बोला है कि यह क्या है? सतत। देखिए स्टूडेंट, आपको 100% इतना पता होगा कि सतत के लिए हमें क्या करना। सतत के लिए हम पहले ही प्रश्नावली में बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को आपको करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पांच के बी का पहला प्रश्न है और इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहां लिखेंगे आप हल, यहां लिखेंगे आप हल, हल में आपका जो भी वैल्यू आप पुटअप कर पाएंगे उसके हिसाब से लेके चल रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है, तो लिखेंगे आप लिमिट यक्स टेंस टू जीरो माइनस, देखिए यहां पे जीरो से कम और जीरो से अधिक पे दिया है, इसलिए हम लोग जीरो से कम और अधिक पे चेक करेंगे। तो यहां लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो यहां हो जाएगा आपका यफ यक्स लिमिट यच टेंस टू जीरो, आप लिखेंगे यहां पे, यहां पे हो जाएगा जीरो माइनस यच। आप लोगों को बता दें स्टूडेंट कि ये जीरो माइनस यच यानी जीरो से कम वाला, तो जीरो से कम वाला फंक्शन क्या है आपके सामने दिख रहा होगा, साइन थ्री एक्स अपान यक्स है। तो यहां पे आप लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू जीरो यफ माइनस यच, जीरो में से माइनस एच करेंगे माइनस एच आएगा, इस मान को उसमें पुटअप करेंगे तो यहां आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन थ्री गुणे माइनस एच अपान एच है, तो यानी कि माइनस एच यहां हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः आगे चलते हैं इसके आगे। यहां पे आपको हम बता दें कि ये देखिए साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आप यहां पे कर पाएंगे लिमिट यच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो आप लगाएंगे यहां पे माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह आपका थ्री एच हो जाएगा। अब बटा में क्या है भैया? माइनस एच है, माइनस एच है, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस एच जो है उसमें माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ऊपर और नीचे है, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहां पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन थ्री एच अपान एच। अब यहां पे थोड़ा सा बात समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे हम तीन से भाग दे देंगे और यहां पे तीन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तीन से तीन कट जाएगा वही वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पे तीन को आप पीछे कर लीजिए और यहां पे वैल्यू को मान रख करके एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, साइन थ्री एच अपान बताइए इसका मान क्या होता है स्टूडेंट? इसका मान एक होता है, इसका मान क्या होता है? एक होता है, इसका मान एक होता है, लेकिन गुणा में क्या है? तीन है। तो आप यहां क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे तीन गुणे एक बराबर कितना? तीन।
यानी हम कह पाएंगे यहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया है, 3 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका आया है 3। इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखो यहां पे हम लोग इसको इरेज करके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आप लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखा और जान भी चुके हैं आप पीछे की वीडियो में कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है। यहां पे आपका आया है लेफ्ट हैंड लिमिट 3। तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3। इसको हमने लिख लिया, क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल के अभी चेक करेंगे ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो आइए एक बार और अच्छे तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं। राइट हैंड लिमिट यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 0 प्लस fx। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h f 0 प्लस h f 0 प्लस h यानी 0 में h जोड़ेंगे आपका क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 fh, क्या आएगा fh। 0 से अधिक वाले वैल्यू को रखेंगे, 0 से अधिक वाले वैल्यू को इसमें पुट अप करना है। देखिए 0 से अधिक वाला वैल्यू आपके सामने है x प्लस 3। आप यहां पे मान को रखिए लिमिट h टेंस टू 0 f h, h के मान को इसमें रख दीजिए तो ये आएगा h प्लस 3, क्या आएगा h प्लस 3। इसको आप आगे सॉल्व कर पाएंगे लिमिट या डायरेक्ट मान रख दीजिए, यहां पे मान रख दीजिए तो ये आएगा 0 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आया है और राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पे आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसलिए यह क्या है, सतत, क्या है, सतत, सदैव सतत, सदैव सतत, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका सतत। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक अच्छे तरीके से आपको देखना होगा इस सवाल को, एक अच्छे तरीके से आपको एक मतलब फाइन 3x अपान x वाले के मानों को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो इस आप सवाल को एक अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन, देखिए ये आपके एग्जाम में आता है भैया, ये देखिए इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसको बना लीजिए भैया, क्योंकि ये पेपर में 100% आता है, ठीक है। तो यहां देखिए ये आपका है, यहां पे आप इस सवाल को इम्पोर्टेंट बना लीजिए, इसको जरूर देख के जाइएगा। अब देखिए इसमें भी वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से, हाँ ये आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो यहां पे आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, एफ 0 माइनस एच कितना आएगा मेरे दोस्त, ये आपका आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच, कितना आएगा एफ माइनस एच। एफ माइनस एच के मान को कहां रखेंगे, 0 से जो वैल्यू कम है उसी में मान को रखना है। अगर 0 से आपका जो भी फंक्शन आ जाए, देखिए 0 से कम वाला फंक्शन क्या है, 0 से कम वाला फंक्शन क्या है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बंधु ध्यान देंगे, 0 से कम वाला यहां पे दिख रहा होगा
जीरो से कम वाला देखिए यहां पे आपका है, इसके सामने दिया है साइन यक्ष अपान यक्ष। जहां वैल्यू आपका यक्ष है वहां पे आपको वैल्यू को पुटअप करना है। तो आइए हम एक अच्छे तरीके से पुनः बताते हैं। तो यहां पे देखिए माइनस यच है तो इसको मान को इसमें पुटअप करना है। तो यहां कैसे करेंगे भैया देखो, लिमिट यच टेंस टू जीरो, यच टेंस टू जीरो, ये माइनस यच को रखिए यहां पे, साइन माइनस यच पूरा के बटा माइनस यच, ये माइनस यच रखा गया, जहां जहां यक्ष है वहां पे रख लिया गया। अब देखिए भैया इसके आगे क्या करना है मेरे प्यारे बंधु, ये ध्यान दो, ये साइन माइनस थीटा है, लेके आओ पीछे भैया, तो इसको होगा क्या, लिमिट यच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बार बार एक ही वर्ड को बोला जा रहा भैया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए नीचे क्या है, माइनस यच है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं लिमिट यच टेंस टू जीरो साइन यच अपान यच, इसका मान क्या होता है एक, इसका मान क्या होता है एक। आप कहेंगे भैया किस रूल से, लो भैया इसका भी पोस्टमार्टम, किस रूल से, लिमिट 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 थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा का मान क्या होता है भैया, एक होता है, क्या होता है एक होता है। तो ये सब चीजें जो है आपको 11 में भी बताया गया था, पढ़े होंगे लेकिन नहीं जानते हैं तभी भी सीखिए, साइन थीटा अपान थीटा का मान क्या होता है एक होता है। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया एक आया। अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब हम लोग चेक करके बता पाएंगे कि ये सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो सतत होगा, बराबर नहीं होगा तो असतत होगा। तो आइए इसको देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है भैया। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालने से पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। देखिए भैया राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपको यहां से ही निकाल के मैं बता दे रहा हूं। राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू जीरो प्लस यफ एक्स, यहां लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू जीरो यफ जीरो प्लस यच। भैया जीरो प्लस यच में जोड़ लो ना तो ये क्या आएगा, यच टेंस टू जीरो यफ यच आएगा, क्या आएगा यफ यच आएगा, क्या आएगा भैया यफ यच आएगा। तो यहां मान को पुटअप कर लीजिए, जीरो से अधिक वाला कौन सा पर्पन है, जीरो से अधिक वाला तो यही है दिख रहा है, जीरो से अधिक वाला, जीरो से अधिक वाला के सामने कौन है भैया दो यक्ष धन तीन है, दो यक्ष धन तीन वाले में मान को रख देंगे और एक अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहां मान को रख लेते हैं भैया लिमिट यच टेंस टू जीरो, यच टेंस टू जीरो रख लीजिए मान दो कोष्टक में यच प्लस थ्री, दो यच प्लस थ्री, तो यहां पे आपका आ जाएगा दो गुणे जीरो प्लस थ्री, दो गुणे जीरो प्लस थ्री, तो यहां आ गया आपका तीन, कितना आ गया तीन। हम आपको बता रहे हैं अभी कि जब जीरो से कम वाला फंक्शन पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाले हैं इसका मान एक आया था, यहां पे हमारा मान जो है वो तीन आ रहा है। तो आप एक अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए आपका क्या है यह क्या है असतत है, क्या है असतत, असतत है, असतत है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा।
देखिए एक कराया, दो कराया, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपका देखिए कितना बेहतरीन है भैया। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में देखिए भैया सतत का मतलब सततता की जांच करना है। वही काम बार बार हम लोग को करना है भैया। देखिए तो यहां पे आप करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां कितना आएगा, आप लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू दो माइनस, क्यों, क्योंकि दो से अधिक या दो से कम वाला वैल्यू यहां पे दिया है, तो दो माइनस करेंगे, यहां पे लिखेंगे यफ यक्स, क्या लिखेंगे यफ यक्स, तो यहां आएगा आपका लिमिट यच टेंस टू जीरो, यच टेंस टू जीरो यफ दू माइनस यच, यफ दू माइनस यच, दू से कम वाला वैल्यू, तो दू से कम वाला भैया यहां पे आपको दिख रहा है सिक्स एक्स माइनस वन, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू जीरो सिक्स गुड़े टू माइनस यच माइनस वन माइनस वन, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा लिमिट यच टेंस टू जीरो छ गुना के बारह माइनस सिक्स का यच में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स यच और यहां पे माइनस वन। यहां पे देखिए यच का मान इसमें पुट अप करेंगे तो यह आएगा बारह माइनस छ गुणे जीरो माइनस वन, तो यहां पे आ जाएगा मेरे प्यारे बंधु बारह, इधर लिख देता हूं ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं इसको, तो ये आएगा आपका बारह माइनस जीरो माइनस वन, तो ये आएगा बारह में से एक घटाने पे कितना आएगा भैया ग्यारह, कितना आएगा ग्यारह, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितना आ गया भैया ग्यारह, कितना आया ग्यारह। अब हम लोग देखिए अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट में जीरो प्लस नहीं करना है, दो प्लस करके निकालना है वैल्यू को, तो देखिए भैया दो प्लस करके यही निकालते हैं तो होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड टू जीरो प्लस, जीरो प्लस, देखिए यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे जीरो प्लस नहीं लिखना है दो प्लस लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे दो प्लस, यहां लिखेंगे दो प्लस यच, ठीक है, तो यहां से आप लिख पाएंगे लिमिट, लिमिट यहां पे यफ एक्स रहेगा, यहां पे यफ एक्स रहेगा और यहां पे लिमिट यच टेंस टू जीरो यफ दो प्लस यच, दो से अधिक वाले में मान रख दीजिए, दो से अधिक वाला मान कहां पे भैया ये वाला है, दो से अधिक वाला, दो से अधिक वाला मान जो है आपका तीन यक्स प्लस पांच है, तीन यक्स प्लस पांच है, इसी में मान को पुट अप करेंगे, तो तीन यक्स प्लस पांच वाले में आपको मान को रखना है और हल कर लेना है, तो देखिए यहां पे क्या होगा लिमिट यच टेंस टू जीरो दो प्लस यच उसमें रखिए, तो तीन गुणे दो प्लस यच और प्लस क्या है पांच, तो यहां क्या आएगा मेरे भाई लिमिट यच टेंस टू जीरो तीन दुना के छह और तीन का यच में गुणा करेंगे तीन यच और प्लस पांच, यहां भी आपका आ गया ग्यारह प्लस यच, यानी यच का मान जीरो रखेंगे तो सिक्स प्लस जीरो प्लस फाइव आएगा, यानी छ पांच ग्यारह आएगा, कितना आएगा ग्यारह आएगा मेरे प्यारे बंधु। तो आपको बता दें मेरे प्यारे बंधुओं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आया है बराबर आया है, इसीलिए आप कह पाएंगे यहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इलेवन ग्यारह, इसलिए यह क्या है सतत, यह क्या है सतत, सतत यहां भी ग्यारह आया था, यहां भी ग्यारह आया है, यहां भी, तो इसलिए यह क्या है सतत। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चार नंबर का क्वेश्चन हो गया भैया, ये अपना छठवा नंबर का सवाल देखिए। छठवां नंबर का सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बंधु, छठवां नंबर का सवाल छठवां नंबर का सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है कि फलन फलन एफएक्स फलन एफएक्स बराबर फलन एफएक्स बराबर चार एक्स माइनस दू, कब उस मान को लेना है जब दू से कम होगा, और तीन एक्स कब लेना है जब दू के बराबर या दू से अधिक होगा, और हम लोगों को यह बताना है कि क्या है भैया सतत है, सतत है या नहीं है, दोनों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार अच्छे तरीके से पूरी एनर्जी के साथ एक बार पुनः प्रयास करते हैं समझने का। देखिए यहीं पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां पे आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू, देखिए भैया दू पे चेक करेंगे तो दू माइनस पे आपको चेक करना है, दू माइनस और यहां पे रहेगा एफ एक्स, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ दू माइनस एच, भैया दू माइनस एच दू से कम वाले मान को, दू से कम वाले मान को आपको क्या करना है इसमें रखना है, तो दू से कम वाला मान क्या है आपके सामने दिख रहा है चार एक्स माइनस दू, चार एक्स माइनस दू है, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो दू माइनस एच रखिए, चार गुणे दू माइनस एच माइनस दो, इसका मल्टीप्लाई करिए भैया, तो यहां आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चार गुना के आठ, चार एकम चार एच माइनस दो, यहां पे एच का मान पुट अप कर देंगे मेरे प्यारे बंधु, तो आपका आ जाएगा क्या आएगा, देखिए यहां से यहां पे कर दे रहा हूं, तो ये आएगा आपका आठ माइनस जीरो माइनस दो, आठ में से दो घटा दो चार आएगा, ये है आपका क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है भैया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है आइए एक बार पुनः देखते हैं, यहां से राइट हैंड लिमिट एक अच्छे तरीके से पुनः निकालने का प्रयास करते हैं, देखिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है राइट हैंड लिमिट क्या है भैया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नहीं एक्स टेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू प्लस एच, दू से अधिक वाला मान, दू से अधिक वाला मान भैया ये है सामने ही दिख रहा है आपको, आपके सामने ही दिख रहा होगा क्या है तीन एक्स है, तो यहीं पे क्या करेंगे मान को रखेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तीन गुणे टू प्लस एच, यहां पे होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तीन दुना के छ प्लस थ्री एच, मान को पुट अप करिए सिक्स प्लस जीरो यानी कितना आ गया सिक्स आ गया, और हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है चार आया है, क्या आया है चार, और हमारा राइट हैंड लिमिट क्या आया है छ आया है, तो आप तुरंत यहीं पे बताएंगे कि सर जी ये जो है हमारा मान, ये जो हमारा मान है इसको हम लोग और सतत ना कहकर हम लोग सतत के श्रेणी में नहीं रख पाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए यह क्या है भैया, असतत। क्या है? असतत। सततता की जांच करना था, हमने जांच कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसीलिए यह क्या है, असतत। क्या है? असतत। असतत है, ठीक। अब जितना क्वेश्चन कराने के बाद ध्यान दीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया, 5 प्रश्नावली 5 के B का 6वां क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन और कराता हूं, पूरी प्रश्नावली भैया खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप खुद लगाना, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना कि क्वेश्चन नंबर ये नहीं आ रहा, जरूर उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, क्योंकि एक अच्छे तरीके से हर एक सवालों को ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ हर एक सवाल का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल यानी 7, ये आपका 7 नंबर का सवाल, बहुत ही इंपोर्टेंट। ये भैया देख लो, इसको भी इंपोर्टेंट कर लो, ये तो पेपर में भैया इस टाइप का जरूर आता है। ए बी का मान वाला तो जरूर पूछ लेता है, बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको गलती नहीं करना है, एक अच्छे तरीके से समझ करके पेपर में आप जरूर जाएं। देखिए क्या है भैया, यहां पे आपका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करके बताएंगे कि मेरे प्यारे बंधु ये जो मान है वो क्या है, सतत है या असतत है, या ए या बी का मान क्या है। तो लो भैया यहीं पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भैया एक अच्छे तरीके से हम लोग निकाल के बताएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू न लिख करके 2 पे चेक करेंगे। देखिए भैया, 2 से अधिक और 2 से कम वाला, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2 पे हम लोग देख लेते हैं, 2 पे ही हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, तो यहां क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, एफ 2 माइनस एच। 2 से कम वाला वैल्यू कौन है भैया, यहां देखिए 2 से कम वाला तो मान यही लो दिखाई दे रहा है, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट कितना, 5। कितना? 5, यानी ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यहीं पे निकालिए, तो भैया राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आप लिखेंगे लिमिट एफ टेंस टू 2 प्लस 2 प्लस एफ एक्स, तो आपका आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, एफ 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच इसमें रखेंगे तो आपका होगा लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच रखिए इसमें, ए कोष्टक में 2 प्लस एच प्लस बी, प्लस बी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस ah प्लस बी, ये आपका लिमिट h टेंड टू 0, मान को रखेंगे तो आएगा 2a प्लस 0 प्लस बी, तो ये आपका आ गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आया और यहां पे क्या आया, 5 आया, ठीक है भैया हमने देखा यहां पे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10 पे चेक करते हैं, क्या 10 पे चेक करते हैं, 2 पे मैंने तो चेक कर लिया, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए, तो 2a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5, 2a ध्यान देखिए, 2a प्लस बी बराबर 5,
ये आया समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, ए टू ए प्लस बी बराबर, देखिए हम लोग इसको इरेज करके ही बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इरेज करके ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इतना याद रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाले हैं किस पे, यक्स बराबर दो पर, किस पे, यक्स बराबर दो पर, यक्स बराबर दो पर, यक्स बराबर दो पे, यक्स बराबर दो पे हमने चेक किया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट पांच आया, राइट हैंड लिमिट दो ए धन बी आया, दोनों को आपस में बराबर किए तो आया दो ए धन बी बराबर पांच। तो ये समीकरण याद रहे कि आपका आया है दो ए धन बी बराबर पांच। इसको इरेज कर लेते हैं, दो ए धन पांच बी बराबर पांच आया, तो इसको हम लोग जल्दी से इरेज कर लेते हैं और यक्स बराबर दस पे चेक करेंगे, ठीक है भैया। तो यहां पे देख लीजिए 2a प्लस बी बराबर पांच, 2a प्लस बी बराबर पांच, यक्स बराबर दो पे हम लोग मान निकाले हैं तो हम लोग का समीकरण आया है 2a प्लस बी बराबर पांच। इसको हम लोग माने हैं समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक इसको यहीं पे रहने दीजिए, यक्स बराबर दस पे हम लोग चेक करेंगे कि मान कितना आता है, यक्स बराबर दस पे हम लोग चेक करेंगे कि कितना मान आता है। देखिए यक्स बराबर दस पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं, लिमिट यक्स टेंड्स टू दस माइनस, दस माइनस, तो ये आएगा एफ एक्स, तो यहां आएगा लिमिट यच टेंस टू जीरो, यच टेंस टू जीरो, यप दस माइनस एच, दस से कम, दस से कम और दो से अधिक वाला तो मान यही है ना मेरे प्यारे बंधु, तो दस से कम वाला तो यही आ गया है आपका, तो इसी में रख लीजिए, तो आएगा ए गुणे दस माइनस एच प्लस बी, ठीक है। तो यहां आएगा आपका 10a माइनस ए एच प्लस बी, मान रखेंगे इसमें जीरो, इसमें मान रखेंगे जीरो, जीरो रखेंगे तो क्या आएगा भैया 10a माइनस जीरो प्लस बी, यानी कि हमारा आ गया यहां पे 10a प्लस बी, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, यक्स बराबर दस पर लेफ्ट हैंड लिमिट आया। राइट हैंड लिमिट यही चेक कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स टेंड्स टू, यक्स टेंड्स टू, ध्यान दीजिएगा यक्स टेंड्स टू जीरो नहीं, दस प्लस, क्या दस प्लस, दस प्लस, दस प्लस एफ एक्स, यहां पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ दस प्लस एच, दस प्लस एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टेंड्स टू जीरो एफ दस प्लस एच, यानी कहां रखना है दस से अधिक वाला, दस से अधिक वाला तो मान इक्कीस है, तो कहीं इसमें जीरो नहीं, एच नहीं है, इसलिए क्या आएगा इक्कीस आएगा, ये इक्कीस आएगा। तो देखिए ये आपका आया है लेफ्ट हैंड लिमिट दस ए प्लस बी, और ये आपका आया है राइट हैंड लिमिट इक्कीस, राइट हैंड लिमिट इक्कीस आया है। तो आप बताएंगे यहां पे कि दस ए प्लस बी बराबर इक्कीस, ये हो गया भैया समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर दो, अब समीकरण एक और दो को हल करके ए और बी का मान निकाल लेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। आइए हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए
समीकरण एक और दो को हल करके हम लोग ए और बी का मान निकालेंगे। तो लो भैया समीकरण एक क्या है, 2a + b = 5 समीकरण नंबर एक, और दूसरा समीकरण है 10a + b = 21 समीकरण नंबर दो। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पे है 10a में से 2a घटा लीजिए, -8a आएगा, -8a। 21 में से 5 घटाइए भैया, कितना आएगा मेरे प्यारे बंधु, 16, कितना आएगा 16, 16 × 4 = 20 = 21, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए बराबर मेरे प्यारे बंधु 16/8 आएगा, 8/8 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा मेरे प्यारे बंधु, तो ए बराबर क्या आ गया, 2, ए बराबर क्या आया, 2 आया, ए बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेंगे आप लोग कि ए बराबर आपका मान, ए बराबर देखिए एक बार और लिख देता हूं मैं इसको, कि ए बराबर यहां से आया है 16/8, 8 × 16 a = 2, a का मान समीकरण एक में रखने पर तो ये आएगा 2a, a का मान 2 और प्लस b बराबर 5, तो यहां से आएगा 2 × 4 प्लस b बराबर 5, तो यहां से आएगा b बराबर 5 − 4, तो b बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बंधु, 1। तो हम लोग एकदम एक अच्छे तरीके से आपको बताया हूं कि ये मान कितना आएगा, यानी कि a का मान 2, b का मान 1। तो यहां पे आप बताएंगे सर a बराबर 2 और b बराबर क्या है भैया, b बराबर आपका है 1, यही दोनों क्या है भैया आंसर। तो आपको हम बता दें भैया कि ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये जो है फिनिश हो गया। प्रश्नावली 5 का b हमने समाप्त कर दिया स्टूडेंट। आपको हम बता दें कि कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। जो भी सवाल आपको अगर लगता है कि ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, जो भी मान लीजिए आप लोगों को लगाने के लिए छोड़ा गया है, अगर वो सवाल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताएं कि ये सवाल नहीं आया है, दोबारा उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे आज रुकते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेकर चलेंगे, 5 के c को लेकर चलेंगे, जिसमें आपको अवकलनीयता बताना है। अवकलनीयता में 2 फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग एक अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।